इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको बूस्ट करने का, उसको बढ़ाने का एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल तरीका जो कि आप नहीं कर पाएंगे वो भी मैं बता दूंगा किस लिए। तो वो तरीका है साउंड स्लीप। जी हाँ, अगर आप साउंड स्लीप ही खाली एक प्रॉपर स्लीप भी 6 से 8 घंटे की आप अगर स्लीप लेते हैं तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बूस्ट हो जाता है। पर उसके लिए भी एक तरीका है। अब ये नहीं कि आप कभी भी 6 घंटे सो गए, रोज़ ही आप 6 घंटे सो रहे हैं कम से कम, या 8 घंटे सो रहे हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहेगा, ठीक है। प्रॉपर अगर आप 8 घंटे सोते हैं आपकी सेहत के लिए अच्छा है, पर अगर आप खासकर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हैं अपना तो आपको 9 बजे सोना होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर जो स्लीप साइकिल का जो एक रिदम है, एक पैटर्न है, वो शुरू होता है, ठीक है। स्लीप साइकिल एक तरीके से आप ज़्यादा सिंपल वर्डों में समझें तो स्लीप साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है आपकी 9 बजे से रात में। बॉडी को, दिमाग को उस टाइम अंदर से शुरुआत हो जाती है नींद की कि आप सो जाएं। उस टाइम पे आपको सोना है और अपने मोबाइल डिवाइसेस, जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सबको बंद रखना है, यानी कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, वाईफाई। मैं कहा था ना मैंने कि बहुत सिंपल है जो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। रात का खाना आप 8 बजे तक डिनर आप ले लेंगे और सोते टाइम एक ग्लास दूध आप पियेंगे या कोई हल्का लिक्विड डाइट आप लेंगे, सो दैट आपकी थ्रू आउट स्लीप एक एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, BMR आपका मेंटेन रहे, ठीक है। आपको भूख ना लगे या आपके जो एनर्जी लेवल है वो नीचे ना जाए, तो ये आपको करना होता है। रूम में बिल्कुल अंधेरा हो, साइलेंस हो, ढीले कपड़े पहने हुए हों, आपको अंडरवियर वगैरह की ज़रूरत आपको होती नहीं है, लाइटिंग वगैरह बिल्कुल डिम हो, तो आप अगर आप 9 बजे आप सोते हैं और आप वहाँ से 8 या कम से कम 6 घंटे आप अगर आप स्लीप लेते हैं, डीप स्लीप अगर आप लेते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बिना किसी मेडिसिन के 101% बूस्ट होगा, ठीक है। है बहुत सिंपल कि आपको सिर्फ सोना है, टाइम से सोना है, पर आजकल के टाइम को देखते हुए मैंने शुरू में ही बताया था कि आपके लिए ये मुश्किल होगा। ट्राई करिए, देखिए, अगर आपको कोई शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है जल्दी सोने में, जल्दी उठने में, प्रॉपर स्लीप लेने में, ठीक है, हेल्दी खाने में, पर अगर एक बार शुरुआत आपने कर दी और ये लाइफस्टाइल या एक हैबिट बन गई आपकी, तो फिर आपको लाइफ टाइम इससे फ़ायदा होने वाला है। जय हिंद।